हम लोगों ने 30,000 रुपए के कैमरे से वो फिल्म बनाई है। कांस्टेबल का किरदार किया, एक सीन में मैं उसमें हूँ भी, लास्ट में मेरा उसमें नाम भी आया। सोनाक्षी जी के साथ मैंने जो है दो फिल्में की, एक राउडी की है और एक दबंग की है। एज इट इज रिप्लेस वाली फिल्में थी। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। बॉलीवुड में हर कोई एक एक्टर, कमाल का एक्टर, सुपरस्टार बनना चाहता है और उसकी शुरुआत करना चाहता है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि सफ़र की शुरुआत कैसे की जाए। लेकिन आज आप शुरुआत वहाँ से ही कर सकते हैं जहाँ पर आप रहते हैं। बस आपका प्रॉपर तरीका होना चाहिए, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, अप्रोच क्लियर होना चाहिए, एक्चुअली सक्सेसफुल एक्टर का माइंडसेट होना चाहिए। सक्सेसफुल एक्टर का माइंडसेट क्या होता है, वो कैसे काम करते हैं, ये बताऊंगा मैं आपको आज के वीडियो में। मेरे साथ हैं इस समय कमलेश दाबे, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू सर। कमलेश, आप एक एक्टर हैं, एक्टर के तौर पर क्या क्या किया आपने? स्टार्टअप से मैंने स्कूल में मैंने एक प्ले किया है, जब मैं 10th क्लास में था उसमें फर्स्ट प्राइज में लेके चला गया था। ओके। फिर मैंने अमिताभ बच्चन साहब को मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि उनकी मैंने एक फिल्म में देखी थी शराबी। हाँ। और वहाँ से मुझे लगा कि यार ये भी कोई चीज़ होती है एक्टिंग। हाँ। तो मैंने 7 से 8 दिन अमिताभ सर का ही एक्टिंग किया, मतलब वीडियो मिमिक्री आप बोल सकते हैं। तो मेरे फैमिली वाले बोलते हैं क्या कर रहा है तू। हाँ। लेकिन वो मेरे को अच्छा लगता था। हाँ। फिर उसके बाद भैया ने जो है VFX का कोर्स कम्प्लीट किया था तो उनको कुछ स्टोरी बनाना थी तो हम लोगों ने हेरा फेरी 3 बनाई जिसमें मैंने बाबूराव का किरदार किया। उस वक्त से ही मैंने फिर यूट्यूब पे इरफान खान साहब के, अनुपम खेर साहब के, इनके मैंने वीडियोस देना स्टार्ट किए। okay. अभी लोगों को लगे कि यार एक दो लाइन का टिप्स मिला उससे क्या हुआ, लेकिन अगर वो एक लाइन पे भी आप काम कर जाते तो आप एक्टिंग सीख लेंगे। ये मेरा मानना है, एक्टिंग वाहन ऐसी कोई दवाई तो होती नहीं है। right. कि मैंने पी ली और वो आ गई, उसको आपको अपने अंदर इजाद करना होता है, समझना होता है। जो मैं हमेशा बोलता हूँ आपको अपने अंदर के एक्टर को डिस्कवर करना। हाँ, क्योंकि सबसे टफ लोगों के लिए होता है कि यार कैमरा है, कैमरा के पीछे की पब्लिक है, अगर आउटडोर शूट हो रहा था तो वहाँ की पब्लिक है। प्रॉपर नॉलेज होगी तो वो हेजिटेशन और झिझक आपकी चली जाएगी। लेकिन आप फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, दबंग में आपने काम किया? जी, मैंने दबंग में एक कांस्टेबल का किरदार किया, एक सीन में मैं उसमें हूँ भी, लास्ट में मेरा उसमें नाम भी आया। उसके अलावा मैंने काल भैरव सीरियल किया है, क्लोजअप शॉट है क्योंकि छोटा काम था इसलिए, लेकिन जर्नी मेरी वहीं से स्टार्ट हुई है। फिर मैंने मणिकर्णिका मूवी की है, उसमें मैंने अघोरी का रोल किया है। ओके। और इस तरह से मैंने जो है काम किया। अभी मैं करंट में एक वेब सीरीज कर रहा हूँ, देवदत्त साहब का वेब सीरीज है जिसमें रजा मुराद साहब है और पुराने बलमा फिल्म के हीरो है जो है हमारे अविनाश जी है, और मैं उसमें 2 स्टार का किरदार निभा रहा हूँ एज एन आर्टिस्ट। ओके। एज एन कैरेक्टर, एज ए एक्टर। तो एज ए एक्टर तो कमलेश ने ये सब किया है, लेकिन एक इन्होंने कमाल का काम किया अपने भाई के साथ मिलके कि दबंग में तो इन्होंने कांस्टेबल का रोल किया, लेकिन भाई के साथ मिलके इन्होंने सलमान जी को ही हटा दिया है और सलमान वाले रोल में फिट हो गए। मतलब सोनाक्षी के साथ कितने लोग काम करना चाहते होंगे, कितना सपना देखते होंगे, और इनके भाई की मदद से इन्होंने वो कारनामा कर दिया कि दबंग 3 में सीधे सलमान वाले रोल में उतरा है। सोनाक्षी जी के साथ मैंने जो है 2 फिल्में की, एक राउडी की है और एक दबंग की है। एज इट इज रिप्लेस वाली फिल्में थी। हाँ। लेकिन आपके सामने कैरेक्टर नहीं है, सोनाक्षी जी नहीं है, विनोद खन्ना साहब नहीं है, प्रकाश राज साहब जो उसके विलन रहे वो भी नहीं है। तो एक टफ लेवल होता है, लेकिन अगर उसको आपने क्रॉस कर गया मतलब आपके टैलेंट के पीछे कहीं ना कहीं मेहनत रही है। ये खासतौर से मुझे बताओ, जो सोनाक्षी के साथ वाला चश्मे वाला है जी, उसमें आपने वो बॉडी मूवमेंट वगैरह बनाना, फिर उनके आई लुक से आपने बिल्कुल आई लुक मैच किया हुआ है, ये टेक्निकल बात है कैमरा एक्टिंग के साथ। हाँ। ये कैसे किया? ये सफल इसलिए हो पाया और सपोर्ट से इसलिए हो पाया क्योंकि मेरे बड़े भैया जो इसमें कैमरा चलाए, VFX जिन्होंने दिया, वो मुझे बताते थे कि अब कैमरा एंगल से सलमान सर की आई यहाँ पर वर्क कर रही है तो आपको यहीं पर देखना, विजन आपका ये है क्योंकि सोनाक्षी जी मेरे सामने है नहीं। राइट। तो मुझे उस विजन को लेकर जो एक्टिंग करना होता था। हाँ, लेकिन अगर आप डायरेक्टर का जो मूवमेंट समझ पा रहे एक बार में तो आप उस कट को 1 ट्रेक में आप निकाल देंगे। तो आप 1 टेक में मैं निकाल देता था, लेकिन हमको उसको एज इट इज ओरिजिनल को हमको बनाना नहीं था, हमको उसको किसी और वीडियो में फिट करना था। तो हमारा ये मानना था कि कहीं ना कहीं कुछ फ्रेम में कुछ गलती हो जाए तो हम लोग उसको एक और बार लेंगे। तो मैं वीडियो देखता था, मैं बोलता था कि नहीं एक बार और हम लोग करेंगे इसको। okay. तो हम लोग हर चीज 2 बार करते थे लेकिन निकलता वो एक ही बार में था। okay. Okay, एक ही बार में होता था। अब खासतौर से बात करें उस एक्शन सिक्वेंस की जो आपने जी किया। जी, उसमें आपकी वॉक है प्रॉपर जी, है ना, फिर आप किसी थर्ड पर्सन से डायलॉग बोल रहे हो, फिर मेन विलन से बोल रहे हो जी, और फिर पूरा
फाइट सीक्वेंस है वो कैसे शूट किया आपने? हाँ, वो जैसे कि कुछ मान लो मुझे लकड़ी वाला एक शॉट है जिसमें आप वीडियो में आप देख भी सकते हैं पब्लिकली, तो वो मुझे सलमान सर का एक था कि यार उनकी आई यू करके जा रही है और उनका एक्सप्रेशन मतलब उन्होंने अगर डंडा मारा है, उन्होंने कार उठाई है तो वो कितना दम लग रहा है, वो कहाँ देख के क्या लग रहा है, वो मैंने प्रॉपर रखा वो भैया की मदद से कि यहाँ देख के आपको जो है प्रॉपर तरीके से यू करके हाथ उठाना है, यू करके आपको मारना है। लेकिन मेरे सामने वो चीज़ें नहीं थी, लेकिन मुझे एक्सप्रेशन वैसे देना थी हॉलीवुड एक्टर टाइप का, क्योंकि उनके पास भी डायनासोर्स होते नहीं, चीज़ें होती थी, सब कुछ पूरा इमेजिनेशन में लेके पूरा इमेजिनेशन, लेकिन मैं उतने तगड़े एक्सप्रेशन दूंगा तो वो लगेगा कि नहीं मेरे सामने तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वो एक विजन रहा है मेरा। ओके, तो फाइट वगैरह के भी जो एक्शन होते हैं वो अलग तरह से, एक डायलॉग बोलना एक अलग काम है लेकिन एक्शन सीक्वेंस क्रिएट करना अलग काम है। और आपके पास कोई स्टंट डायरेक्टर नहीं था, नहीं कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन नहीं था, भी नहीं था। तो आपका बिलीव और आपके भाई का बिलीव ये परफॉर्मेंस, ये दोनों का बिलीव रहा है और साथ साथ में मेरे मतलब पूरी फैमिली का। मैं एक यंगस्टर और न्यूकमर जो आते हैं उनको ये जरूर बोलना चाहूंगा कि फैमिली का सपोर्ट होना जरूरी है। स्टार्टिंग में फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन अगर आपका पहला काम ऐसा दिखता है कि पब्लिक सपोर्ट कर रही है, हाँ आपको काम मिलना स्टार्ट हो रहा, तो फैमिली को भी लगता है कि नहीं यार कहीं ना कहीं ये जर्नी अब जो है सक्सेस की तरफ चल रही है। फैमिली सपोर्ट नहीं करे इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करती है, इसका मतलब वो ये आपके फ्यूचर को लेकर डरती है कि पता नहीं कैसी लाइन है, बाहर से हरी भरी लाइन है, अंदर कुछ हो पाएगी नहीं, इसलिए वो आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए सोचती कि कहीं जॉब कर लो, कहीं आगे की और पढ़ाई कर लो। लेकिन हमारी जब फर्स्ट फिल्म जब हम लोगों ने बनाई हेरा फेरी, उसके बाद सेकेंड हम लोगों ने क्लीन इंडिया बनाई थी जिसपे मेरे बड़े भैया को एज एन डायरेक्टर उनका अवार्ड मिला है, तो गवर्नमेंट अवार्ड है, तो वो फिर फादर को लगा कि नहीं यार ये टैलेंट है, ऐसा नहीं कि घर तक सीमित है, ये कहीं ना कहीं लोगों को अप्रोच कर रहा है, ये गवर्नमेंट हमारी जो इंडिया के गवर्नमेंट का अप्रोच का है। और फिर हमको लगा कि नहीं यार ये चीज हमारे अंदर है। दूसरा, आपके अंदर वो टैलेंट है लेकिन वो ऐसे नहीं निकलेगा, उस पर आपको काम करना इम्पोर्टेंट है। राइट, अब दोनों भाई ने पहले मेहनत की पूरी शिद्दत के साथ, एक दूसरे पर भरोसा किया जी, अब दोनों कामयाबी के सफर पे चलना शुरू करने वाले हो, शुरुआत हो चुकी है, आप भी एज ए एक्टर आगे बढ़ रहे हो, भाई भी एज ए वीएफएक्स आगे बढ़ रहे हैं, एडिटर के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। क्या लगता है कितने साल बाद ये दोनों भाई मिलकर एक बड़ी फिल्म बनाएंगे और एक कमाल का एक वेंचर देखने को मिलेगा ऑडियंस को? ये मेरा ये मानना है कि मोटा मोटा हम लोगों को 2 साल और लगेगा। हाँ, क्योंकि 2 साल भैया को अभी जैसे वीएफएक्स सुपरवाइजर में वो वर्क किए हैं, मन बेरा की जो भंसाली साहब का प्रोडक्शन है वहाँ की एक वीडियो उन्होंने किया है कंप्लीट, तो इस तरह से वो सोच रहे हैं कि अभी 1-2 फिल्में और मैं निपटाऊं, चीज़ें कंप्लीट करूं, मैं टेक्निकल चीज़ें, क्योंकि हम लोगों ने 30,000 रुपये के कैमरे से वो फिल्म बनाई है। हाँ, ये मैं एक बड़ी बात आपको बताना चाहूँगा कि आपके अंदर टैलेंट है और आप बोलते हैं कि नहीं यार मेरे पास तो चीज़ें नहीं है, मेरे पास तो पैसा नहीं है, लेकिन आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, पैसों से नहीं लेकिन आपको हर तरीके से सपोर्ट कर रही है। मेरे फादर ने इसमें सारी ड्रेसअप पे वर्क किया क्योंकि वो टेलर है, जेंट्स टेलर है, तो उन्होंने मेरी पुलिस के ड्रेस से लेकर सारी ड्रेसेस उन्होंने बनाई है। सेकंड, क्रोमा वो वाला हमारे पास सेटअप नहीं था स्टूडियो, तो हम लोगों ने छत पे ही 3-4 हज़ार का क्रोमा सेट खरीद के लाया, वो हम लोगों ने बनाया। तीसरा, हम लोगों एलेक्सिया रेड एपिक जैसा कैमरा नहीं थे करोड़ों के, हम लोगों के पास सिर्फ 30,000 का कैमरा था, उस पर हम लोगों ने काम किया। तो सोर्सेस इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोटी से छोटी चीज़ से बड़ा कमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो चाहते हैं तो और उसको निरंतर करें तो निरंतर, मतलब ये नहीं कि इंटरेस्ट थोड़े दिन आया उसके बाद छोड़ दिया। हाँ, तो बहाने बनाने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहते तो सब कुछ कर सकते हैं। राइट, तो बड़ी फिल्म भी आपकी आ जाएगी। लेकिन मुझे ये अच्छी लगी बात आप दोनों ही भाइयों में कि आप प्लानिंग से चलते हैं, जैसे आपने बोला कि 2 साल का प्लान किया है। हाँ, कोई भी चीज़ों में जल्दबाजी बहुत जरूरी नहीं होती है, प्रॉपर प्लानिंग और उसके हिसाब से आप सीखते हुए जब आगे बढ़ते हो तो चीज़ें हासिल हो ही जाती हैं। अब एज एन एक्टर और क्या क्या एक्सप्लोर कर रहे हो आप? पब्लिक का टेस्ट जो है चेंज हो जाता है, तो अभी पब्लिक थोड़ा बॉडी पे वर्क मांगती है, दूसरा एक्शन फिल्में ज़्यादा पसंद करती है और हम दोनों को शुरू से एक्शन चीज़ें ही पसंद है। ओके, तो अभी मैं बॉडी पे वर्क कर रहा हूँ और मेरे कुछ वॉइस मॉड्यूलेशन पे मैं वर्क कर रहा हूँ और तीसरा जो है मैं एक्शन चीज़ों पर मैं वर्क करूँगा। तो मतलब एज एन एक्टर आप भैया पे एज ए डायरेक्टर, क्योंकि वो डायरेक्टर है, उन पे पूरा रिलाय करते हो, सरेंडर कर देते हो कि जैसा वो डिमांड करेंगे मैं वैसा मैं एज एक्टर प्रेजेंट करूंगा। और एक बेहतर एक्टर को बेहतर बनाने के लिए एक डायरेक्टर का ही अप्रोच होता है, ये मेरा मानना है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये डायरेक्टर मीडियम है एक्चुअली जी, तो एक्टर को सरेंडर करना चाहिए क्योंकि डायरेक्टर जो होता है वो एंड रिजल्ट जानता है। हाँ, कि एंड में क्या निकल के आएगा। एक्टर कई बार सिर्फ अपने कैरेक्टर को ही देख पाता है और कुछ नहीं देख पाता है। तो ये बहुत अच्छी बात बताई कमलेश ने कि आप जहां पर हैं वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। आज वाकई जो हमारा सपना था जॉइंट फिल्म्स का कि हर शहर से टैलेंट निकल निकल के आए,
आपने अपने बूते पे, अपनी फैमिली के बलबूते पे उसको पूरा किया। पब्लिकली बोलना चाहूँगा, इसलिए नहीं कि सर ने मुझे इनवाइट किया, उन्होंने वीडियो पसंद किया, लेकिन ये मैंने जॉइन फिल्म्स और वीरेन सर के साथ मैंने चीज़ें देखी है, उन्होंने जो नॉलेज दिया है, जो भी जानकारी दी है इंडस्ट्री के बारे में, वो प्योर जेन्यून होती है। ऐसा नहीं कि कुछ भी फेक कहीं से कुछ उठा के ले लिया, तो मुझे वो बहुत प्यारी चीज़ लगी। अगर न्यू कमर्स को इंडस्ट्री में आना है तो वो यहाँ के स्ट्रगल ना करें, पहले सर के वीडियोज़ देखें, समझे कि कहाँ ऑडिशंस होते, कहाँ पर चीज़ें थिएटर में भी कैसे अप्रोच होती, शूट कैसे होता, सर ऑन साइट चीज़ें दिखा रही है, आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आप इंडिया में, वर्ल्ड में कहीं पर भी बैठे, लेकिन ऑन साइट क्या काम हो रहा है वो सर आपको एक डायरेक्ट मोबाइल पे लेकर आए, तो वो ज़रूर देखें। मैं ये कहूँगा आपको, सर का चैनल सब्सक्राइब करें, वो देखना शुरू करें। ठीक है, थैंक यू कमलेश। तो ये थे कमलेश धाबी, एक सेल्फ मेड एक्टर, जिन्होंने ये साबित किया, इस वीडियो में आपको समझ में भी आया होगा, कि आप जहाँ पर हैं वहीं से शुरुआत कर दें, जो सोर्सेज हैं उस पर काम करना शुरू कर दें, चीज़ें धीरे धीरे बनती हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे को सक्सेस मिल जाए, मेरे को चांस मिल जाए तो मैं काम करूं। आप काम करना शुरू कीजिए, चांस भी मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगी। और दूसरी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कमलेश में, कि डायरेक्टर पर रिलाई कर रहे हैं। आप एक्टर हैं तो डायरेक्टर पर रिलाई करें, उन पर सरेंडर करें, वो जो चाहते हैं उनके परसेप्शन के हिसाब से काम करें। तीसरी बात बहुत अच्छी लगी, अभी भी वो सीख रहे हैं। उन्होंने कहा मैं वॉइस मॉड्यूलेशन पर काम कर रहा हूँ, मैं अपने एक्शन पर काम कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। एक और बात बहुत अच्छी है कि प्रॉपर प्लानिंग से चलते हैं। आप भी जब भी सोचते हैं बॉलीवुड में आने का, पहले प्लान कीजिए, चीज़ों को समझिए, जानिए। अब आपके पास जॉइन फ्रॉम चैनल भी अवेलेबल है, तो आप देख के सीख सकते हैं जैसा उन्होंने कहा, तो उससे आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, सही समझाइश के साथ चल रहे हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। दूसरी बात ये कहूंगा आपसे कि आपके आसपास भी अगर कोई टैलेंट आपको ऐसा दिख रहा है जो कमलेश जैसा है, मनीष जैसा है, तो आप गूगल फॉर्म में शेयर कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें उसकी लिंक भेजिए, डिस्क्रिप्शन भेजिए, हम उसको भी आगे लाने का काम करेंगे। हम जॉइन फिल्म्स कम्युनिटी में एक साथ मिलकर काम करेंगे। यदि आपके अंदर ऐसा कोई यूनिक टैलेंट है तो भी इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, मैं पब्लिकली उसको लाने की कोशिश करूंगा और लोगों तक पहुंचाऊंगा, जो टेक्निकल लोग इंडस्ट्री के उन तक भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा, तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।